सब्सक्राइब कीजिए 06 स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट और एग्जाम अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 06 स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर के बारे में। ठीक है गाइस, तो अभी हमारे फॉर्म्स निकले थे जिसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी आपकी 30 नवंबर, और फॉर्म सबमिट, फॉर्म में कुछ भी एडिट करने की डेट थी आपकी 7 दिसंबर। सो आपके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। अब बात आती है आपकी प्रिपरेशन की, हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। ठीक है, आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो सभी मैं आपको बताऊंगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, वो सभी डिटेल्स मैं आपको आज देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। सो गाइस, द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपका जो एग्जाम होगा वो आपका रिटन एग्जाम होगा, ना कि CBT, बट जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे, दैट मीन्स MCQ ही होंगे। ठीक है, जो जो कि आपके OMR शीट पे कंडक्ट कराए जाते हैं, ये आपका एग्जाम होगा। देयर शुड बी टू कंपोजिट पेपर इन रिटन टेस्ट ऑफ टोटल 750 मार्क्स। सो आपके जो दो एग्जाम्स होंगे वो आपके टोटल नंबर होंगे जो उसके ऐड किए जाएंगे, वो होंगे आपके 750 मार्क्स। सो अब बात करते हैं आपके पेपर की, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में हम आपका सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। आप पेपर 1 में आपके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आता है, पार्ट 1 में आता है आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपके होंगे 75 क्वेश्चन, जो कि आपके होंगे 75 मार्क्स के। ठीक है गाइस, और पार्ट 2 में आपका होगा जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आपका होगा 100 मार्क्स का, जो कि आपके जिसमें आपके होंगे 100 क्वेश्चंस, बट मार्क्स होंगे 300 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, दैट मीन्स पर 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलेगा 2.5 घंटे का टाइम। ठीक है गाइस, तो 175 क्वेश्चन के लिए आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सेकंड आपका जो पेपर होगा वो होगा आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अगर आप इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, CS है, जिस ब्रांच का भी आप इससे रिलेट करते हो, तो आपका जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा वो आपके सब्जेक्ट्स के बेसिस पे होगा। जो भी आपने इंजीनियरिंग में पूरा पढ़ा है वो सभी आपके मेन सब्जेक्ट्स का इसमें टेस्ट होगा। उसी के साथ जो आपके इसमें क्वेश्चन होंगे वो आपके 125 होंगे, जिसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 375। सो 1 क्वेश्चन के आपके 3 मार्क्स होंगे। ठीक है गाइस, तो अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट। सो गाइस, अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की डिटेल्स में बात करते हैं। सो डिटेल में आपका सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल हिंदी का। सो जनरल हिंदी का क्या है, उप भाग में अभ्यर्थी से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समक्ष परीक्षा के स्तर होगा। सो गाइस, जो आपका ये पेपर होगा हिंदी ग्रामर का, जनरल हिंदी का, वो आपका 10th लेवल का होगा यूपी बोर्ड से। अगर आप यूपी बोर्ड से हो या फिर आप किसी भी बोर्ड से हो, तो जो आपका होगा वो 10th लेवल का होगा यूपी बोर्ड के लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, जो कि आपके टॉपिक्स आने हैं ये। सो इसमें आपके टॉपिक है अलंकार, रस, समस, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संध्या, वाक्यांशों के लिए एक ले, शब्द निर्माण, लोकोक्तियां व मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, वृत्ति, त्रुटियां से संबंधित अनेक कृतिक शब्द। ठीक है गाइस, तो ये तो बात होगी आपकी हिंदी ग्रामर की। उसके बाद हम बात करते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर की। इन दिस पार्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड राइटिंग एबिलिटी विल बी आस्क्ड। क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट विल बी स्टैंडर्ड ऑफ 12th क्लास ऑफ यूपी बोर्ड और इक्विवेलेंट। ठीक है गाइस, तो आपका ये जो होगा, आपके जो जनरल इंग्लिश होगी वो आपकी होगी 12th लेवल की, किसकी, ये आपके 12th लेवल की होगी यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो आपके इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश में ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आएगा, नॉर्मल से ही जो इंग्लिश होती है वो आएगी। स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड, idiom phrases एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। तो ये गाइस, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, जनरल इंग्लिश की आपकी बहुत ईजी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। ठीक है, जिसमें भी आपके सिंपल से ये वाले टॉपिक्स होते हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके वोकैब से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, तो आपकी इंग्लिश ग्रामर इजी होने वाली है, और मेरे चैनल पे पहले से एक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, तो आप वहाँ से भी वो देख सकते हो। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंसी की। जनरल इंटेलिजेंसी में क्या है, द पर्पस ऑफ दिस इज द एबिलिटी टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू सिचुएशन, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द वेरियस एलिमेंट्स। क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोर इंस्ट्रक्शन रिलेशनशिप सिमिलैरिटी कंसिस्टेंट कंक्लूजन एंड एक्शन। सो गाइस, ये जनरल इंटेलिजेंसी टेस्ट होगा लाइक रीजनिंग टाइप्स में जो आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपका होगा जनरल नॉलेज।
जनरल नॉलेज में क्या होगा आपका, दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज एक्सेस कैंडिडेट्स एबिलिटी रिगार्डिंग जनरल नॉलेज अबाउट हिज हर सराउंडिंग एंड अबाउट इन द यूज ऑफ सोसाइटी इन दिस टेस्ट सच एज क्वेश्चन विल बी कीप टू चेक द करंट इवेंट्स एंड इवन एवरेज साइंस एंड फैक्ट्स ऑफ द एक्सपीरियंस विच में इंक्लूड हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल फैक्ट स्पेशल रिलेटेड टू इंडिया एंड जज them to the knowledge of scientific aspects which can be expected of any educated person. So guys, general knowledge में आपको बता दिया, जो भी आपके आसपास surrounding होती है, चाहे वो current affairs हो, history हो, geography हो, ठीक है, politics हो, आपके polity हो, जो भी subjects होते हैं, उन सभी से related क्या होगा आपका general knowledge होगी. ठीक है guys, next topic आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज. कंप्यूटर नॉलेज में भी आपके जो बेसिक से चैप्टर्स होते हैं वही सभी आएंगे. तो मैं ये इसमें भी आपके टॉपिक्स बता देता हूँ. इन दिस पार्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवाइस, नंबर सिस्टम, मेमोरी, इंटरनेट, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, MS ऑफिस एंड MS वर्ड एंड MS एक्सेल एंड ईमेल एटसेट्रा. ठीक है गाइस, सो ये तो हो गया आपका सिलेबस किसके लिए. सो गाइस, ये आपका सिलेबस हो गया. और उसी के साथ आपका अगर इंजीनियरिंग से आप रिलेट करते हो, अगर आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम है, तो जो भी आपके ब्रांच जिसके मेन सब्जेक्ट्स होंगे वही आपका सिलेबस होगा. सो विद दैट्स इट फॉर टुडे. आपको आपका सिलेबस पता चल गया. अगर आप चाहते हो कि मैं UP SSC के ऊपर एक पूरी सीरीज बनाऊँ, जितना भी आपका सिलेबस है टेक्निकल, तो अभी हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाला है SSC JEE और गेट लेवल का. ठीक है गाइस, तो आप टेक्निकल तो अपना वहां से कर सकते हो. और आप किस ब्रांच से रिलेट करते हो वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि आप इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, CS से हो, जिस ब्रांच से भी आप रिलेट करते हो, जो भी आपके क्वालिफिकेशन है वो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताइए. और उसी के साथ मुझे ये बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं UP SSC की सीरीज स्टार्ट करूँ, बिकॉज अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे UP SSC सीरीज के लिए तो मैं जल्द से जल्द उसकी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज एग्ज़ाम आपका फेब्रुवरी के स्टार्टिंग में हो सकता है. ठीक है, अभी तक इसकी कोई डेट नहीं आई है, बट चांसेस है कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपको फेब्रुवरी के स्टार्टिंग में हो सकता है. तो गाइस, आपका सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, जो कि आपके बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है आपका. और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इसमें बुक्स भी बताऊँ कि आप क्या क्या बुक्स यूज़ कर सकते हो, तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बुक्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा. और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप ऑनलाइन किस चैनल को प्रेफर कर सकते हो, मैं वो भी आपको बता दूंगा. अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, जो कि उस चैनल में एक चैनल है वो रिसेंटली ओपन हुआ है, मेरे फ्रेंड का चैनल है वो. ठीक है गाइस, तो उस पर जो फैकल्टी है वो एक्चुअली वो एक कोचिंग में पढ़ाते हैं, वो जो सर है वो एक कोचिंग में पढ़ाते हैं और वो जनरल नॉलेज के टीचर हैं. ठीक है, तो अगर आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो, द हिंदू एनालिसिस देखना चाहते हो, या फिर वन लाइनर्स जो भी आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, तो आप उस चैनल पर आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे सारा मटेरियल इजीली, आपको स्टडी मटेरियल और आपको वीडियोज़ डेली वन लाइनर टाइप ऑफ वीडियोज़ वो आपको प्रोवाइड करा देंगे जनरल नॉलेज से रिलेटेड. ठीक है गाइस, करंट अफेयर्स हो गया आपका, जनरल नॉलेज हो गया, वो सभी आपको उस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा. मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा और मैं उनसे बात कर लूँगा. अगर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताते हो कि सर जनरल नॉलेज हमको प्रोवाइड करा दीजिए, अगर आप कंप्यूटर नॉलेज या फिर एप्टीट्यूड या फिर इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर आपको लेक्चर इसी अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा. और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल पर भी आपको जनरल नॉलेज वन लाइनर्स प्रोवाइड करा पाऊँ. और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी सीरीज़ प्रोवाइड करा दूंगा. और आपको कोई टॉपिक पढ़ना है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर टॉपिक है लाइक टाइम एंड डिस्टेंस हो गया या फिर एप्टीट्यूड का कोई रेशन प्रोपोर्शन टॉपिक हो गया, आप वो पढ़ना चाहते हो, तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो, आपको वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा. सो विद दैट सेड, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा. थैंक यू सो मच.